वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीरो एसोसिएशन। तो आज रेलवे इंजीनियरिंग के हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है। कुछ टॉपिक्स मैं ऐसे भी बताऊंगा जो आपके काफ़ी जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उनके लिए भी हैं, और जिन्होंने कभी नहीं भी दिया है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम या देना भी चाहते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको जानना भी चाहिए रेलवे के बारे में। तो उसी के बारे में बात करेंगे, और हम बात इसलिए भी कर रहे हैं कि रेलवे इतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है कि अगर एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह हमको लेकर जाना है, तो रेलवे में उसकी कॉस्ट अगर हम हाईवे से तुलना करते हैं तो लगभग 1/4 पड़ती है। ठीक है, कि मतलब अगर आप कोई सामान है जिसको 100 रुपये यहाँ से किसी दूसरी जगह ले जाने में लगता है, सेम डिस्टेंस के लिए अगर आप रेलवे से ले जाते हो तो वो लगभग आपको 20 रुपये या 25 रुपये में पड़ेगा। तो रेलवे डेवलपमेंट की हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले निकोलस कगनॉट ने 1771 में पहला स्टीम इंजन बनाया था। ठीक है, फ्रांस में एक मॉडल टाइप का उन्होंने बनाया था। फिर विलियम मर्डॉक ने 1786 में, जो स्कॉटलैंड के थे, एक स्टीम इंजन का मॉडल डेवलप किया था। ठीक है, फिर इसके बाद थ्रेविसिक्स एक व्यक्ति थे, क्रॉनिश इंजीनियर थे, इन्होंने एक स्टीम लोकोमोटिव बनाया था 1804 में। और जो कंप्लीट सक्सेस हमको मिला था लोकोमोटिव बनाने का, इंजन बनाने का, वो जॉर्ज स्टेफसन्स को 81 से 48 के बीच में मिला था, और इन्होंने एक सक्सेसफुली उसके द्वारा, उस इंजन के द्वारा ट्रेन चला दी थी, पहली ट्रेन, जो 27 सितंबर 1825 में इंग्लैंड में चली थी। कहाँ से? स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में ये ट्रेन चली थी। फिर आपको पता है कि इंडिया एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ट्रेडिंग के लिए इंडिया में भी रेलवे बनाएं। तो 1832 में इंडिया में रेलवे प्रपोजल प्रस्तुत किया जाता है, मद्रास में सबसे पहला। फिर 1837 में ही एक ट्रेन चलती है, दैट इज रेड हिल रेलवे, और ये कंट्री की पहली ट्रेन थी जो रेड हिल से लेकर चिंटा ड्रिपेट पर चली थी, ब्रिज पर मद्रास के। ये ध्यान रखिएगा, ये पहली वो रेल थी जो सामान को इधर उधर ले जा रही थी, पैसेंजर ट्रेन अभी तक नहीं चली थी। फिर 16 अप्रैल 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन, ये बहुत ऐसी ऐतिहासिक दिन भी है, 3:30 बजे के आसपास देश की पहली पैसेंजर ट्रेन चलती है। कहाँ पर? बॉम्बे में चलाई जाती है, बोरी बंदर रेलवे स्टेशन से थाने के बीच में। लॉर्ड डलहौजी इसके कर्ता धर्ता होते हैं, पूरा जो रेलवे इंडिया में चल रहा है इसके फादर ऑफ रेलवे हम लॉर्ड डलहौजी को बोल सकते हैं। इस ट्रेन ने 32 से 34 किलोमीटर दूरी तय की थी, और ये 3 इंजनों के द्वारा खींचा जा रहा था, 14 कोच थे इसमें और लगभग 400 पैसेंजर थे। ये जो 3 इंजन थे ना, उनका उनका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। ये 3 इंजन थे जो इसे खींच रहे थे। फिर और ये जो लाइन थी, पैसेंजर लाइन बनाई गई थी, इसको बनाया था ग्रेट इंडियन पेनिसुएला रेलवे, GIPR। ठीक है, फिर इसके बाद जो थाने वायाडक्ट था उसके ऊपर भी एक रेलवे ब्रिज बनाया जाता है। वायाडक्ट क्या होता है? वायाडक्ट एक ऐसा ब्रिज होता है, एक ब्रिज का टाइप होता है जो 6 मीटर से छोटा होता है। और क्रीक का मतलब क्या होता है कि आपको पता है मुंबई समुद्र के किनारे है, तो जब टाइड की वजह से वो जो समुद्र का पानी एक बार पीछे जाता है फिर आगे आता है, तो जब वो पानी आगे आता है तो एक उसकी ट्रिब्यूटरी जो अंदर की ओर आती है कुछ दूर तक, तो उसके ऊपर एक रेलवे ब्रिज बनाया गया था। वो इंडिया का पहला रेलवे ब्रिज था, ठीक है, थाने में बनाया गया था। फिर 15 अगस्त 1854 में ईस्टर्न इंडिया में पहली रेल चलती है, हावड़ा से हुगली के बीच में। ठीक है, जो 24 माइल की थी, 39 किलोमीटर, पहली वाली 32 से 34 किलोमीटर। ये जो लाइन बनाई गई थी इसको बनाया था ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने, EIR ने। फिर 1855 में एक फेरी क्वीन नाम का इंजन बनाया गया था, जो ईस्ट इंडिया रेलवे नंबर 22 ने इसको स्टीम लोकोमोटिव के बनाया था 1855 में, जिसको अब रिस्टोर्ड बाय लोको वर्कर्स पेराम्बर चेन्नई में इसको अभी
लोगों ने इसको फिर रिस्टोर किया, मतलब ठीक किया 1997 में, और इसे रेवारी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में रखा गया है, और इसे कभी कभी अभी भी चलाया जाता है दिल्ली से अलवर के बीच में। और ये जो ट्रेन है फेरी क्वीन इंजन, ये 1998 में इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, किस लिए, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्ट्रीम लोकोमोटिव इन रेगुलर सर्विस। तो जो फेरी क्वीन थी, जो इंजन था, वो कुछ ऐसा दिखता है, फिगर भी देख लीजिए इसका, ये कुछ ऐसा दिखता है जो अभी भी चलता है ओकेजनली, कभी कभी इसको अभी भी यूज किया जाता, ठीक है। फिर 1 जुलाई 1856 में साउथ इंडिया की पहली ट्रेन चलती है रोयापुरम से मद्रास के बीच में, जो मद्रास से आर्कॉट के बीच में, ठीक है, जो 60 माइल चलती है, लगभग 97 किलोमीटर, और इसको बनाया था मद्रास रेलवेज ने, इसकी जो लाइन थी उसको मद्रास रेलवे ने बनाया था। फिर 3 मार्च 1859 में अलाहाबाद से कानपुर के बीच में पहली पैसेंजर ट्रेन चलती है, जो नॉर्थ इंडिया की पहली ट्रेन होती है, और इसको नॉर्थ रेलवे जोन के अंदर में रखा जाता है। तो यहां पर आपने देखा रेलवे की बहुत तेजी से प्रगति हुई, इसी वजह से 1855 से 1860 के बीच में 8 रेलवे कंपनियां बन जाती हैं, ठीक है। फिर 1881 में रेलवे सबसे पहले असम साइड मूव करता है, और असम में जो असम रेलवे नाम से बनाया जाता है, और ट्रेडिंग कंपनीज जो होती हैं वो मीटर गेज पर काम करती हैं। मीटर गेज, अभी मैं आगे आपको सारे टाइप के गेज के बारे में पढ़ाऊंगा, तो ये मीटर गेज पर काम करता है, इतना समझ लीजिए। जो 65 किलोमीटर लॉन्ग मीटर गेज लाइन थी डिब्रूगढ़ से मार्गरीटा के बीच में बनाई गई थी, और ये मेनली किस लिए बनाई गई थी, चाय और कोल जो था, कोयला, उसको लाने और ले जाने के लिए बनाई गई थी। फिर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज का एस्टेब्लिशमेंट होता है, इसे ही हम DHR भी बोलते हैं, या फिर इसे ही द टॉय ट्रेन भी बोलते हैं, जो 2 फिट के गेज पर बना हुआ था, 610 mm गेज पर बना हुआ था, और ये न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच में मूव करता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और 1879 से 1881 में 88 किलोमीटर की जो चढ़ाई होती है उसके लिए अबाउट 100 मीटर्स अबव ऑफ सी लेवल न्यू जलपाईगुड़ी में लगभग 2200 मीटर से दार्जिलिंग में भी इसको बनाया जाता है। तो मतलब लगभग मीन सी लेवल से 100 मीटर की ऊंचाई पर पहली बार इतनी ऊंचाई पर कोई ट्रेन रेलवे लाइन बनाई जाती है। फिर 5 दिसंबर 1999 में यूनेस्को DHR कौन सी, द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित कर लेता है। 1890 में क्या होता है, जम्मू सियालकोट लाइन जो 43 किलोमीटर की थी इसको ब्रॉड गेज पर चलाया जाता है, और सियालकोट से जम्मू तवी के बीच में भी 27 मील लगभग 43 किलोमीटर का भी चलाया जाता है, एंड पंजाब में भी इसको बनाया जाता है। पहले क्या होता था, अगर आपको दिल्ली आना होता था ना, तो आपको पहले वहां से लाहौर जाना पड़ता था, फिर लाहौर से इधर आता था, उस समय बंटवारा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद जब ये चीज़ें होने लगी, जो सियालकोट और इधर की लाइनें चलना स्टार्ट हुई पंजाब साइड की, तब आपको दिल्ली इधर से ही होके, जम्मू कश्मीर से दिल्ली आप इधर से ही आ सकते थे। तो फिर क्या हुआ, पठानकोट में एक और लाइन जो पठानकोट से जम्मू को जोड़ती हुई 72 में बनाई गई, ठीक है। तो इस तरीके से उधर साइड जो जम्मू कश्मीर का रेलवे है उसका डेवलपमेंट हुआ। फिर 1897 में पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ कंपनियों ने ट्रेन के अंदर लाइटिंग फैसिलिटी देना स्टार्ट किया, इसके पहले लाइट नहीं थी ट्रेन में, लाइटिंग फैसिलिटी 1897 से देना स्टार्ट हुआ। फिर 1909 में क्या होता है, 50 साल के आसपास हो चुके होते हैं, इंडियन रेलवे में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, तो 2 जुलाई 1909 में एक घटना होती है, एक व्यक्ति थे ओखिल चंद्र सेन, तो ओखिल चंद्र सेन इंडियन रेलवे में पैसेंजर थे और वो जा रहे थे कहीं, तो साहिबगंज रेलवे में उनके साथ एक घटना होती है, उसके लिए वो एक लेटर लिखते हैं
साहिबगंज डिविजनल ऑफिसर को वेस्ट बंगाल में और रिक्वेस्ट करते हैं कि एक एटलीस्ट एक टॉयलेट तो बनवाइए। और ये जो लेटर था ये अभी भी इसमें कहा जाता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक तो काफ़ी ज़्यादा थी, बट उसमें जो उनकी भावनाएं थी वो काफ़ी व्यक्त होकर आ रही थी। तो ये कुछ इस तरह का लेटर था जो अभी भी म्यूजियम में रखा गया है और इसको काफ़ी बड़ा एविडेंस माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। तो इन्होंने देखिए लिखा हुआ है कि मैं पैसेंजर ट्रेन से अहमदपुर पर उतरा और मेरा पेट जो था वो फूल गया था कटहल खाने से, तो मैं बाथरूम गया और वहाँ पर गार्ड ने ट्रेन को विसिल कर दिया जिससे ट्रेन चली गई और मैं ट्रेन के पीछे पीछे भाग रहा था एक हाथ में लोटा और एक हाथ में धोती को लेकर, और मैं वहाँ पर गिर गया। और मैं गिरा तो वहाँ पर सब लोगों ने मुझे देखा और शॉकिंग चीज़ें हुई, मैन वुमेन सब ने मुझे ऐसा देखा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल, मतलब वहाँ के लिए काफ़ी ऐतिहासिक लेटर है ये ओखिल चंद सेन। तो इन्होंने ये लेटर लिखा, उसी के बाद से ट्रेन रेलवे में पहली बार बाथरूम इंट्रोड्यूस हुए। फिर 1911 में पंबन रेलवे ब्रिज बनाया जाता है, पहला इंडियन रेलवे ब्रिज जो सी के ऊपर बनाया गया, ठीक है, समुद्र के ऊपर। देन 1920 में इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइट वॉज बिटवीन धार एंड करी रोड, बॉम्बे में इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग स्टार्ट हुई। पहले क्या था, झंडे दिखाकर काम चलता था, अभी इलेक्ट्रिक लाइटिंग स्टार्ट हुई। फिर 1925 में 24 में एक ऐसी अकवर्थ कमेटी बनी और उन्होंने बोला कि हम रेलवे बजट को जो आम बजट है उससे थोड़ा अलग करके प्रस्तुत करेंगे। तो 1925 में सबसे पहली बार रेलवे बजट को आम बजट से अलग करके प्रस्तुत किया गया, ठीक है। देन उसके बाद जो पहली ट्रेन थी जिसमें इलेक्ट्रिक, जो पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन थी वो 3 फरवरी 1925 में ही बॉम्बे में कुर्ला हार्बर में चली थी। देन उसके बाद 1928 में जो सिग्नल थे वो एक ही कलर के होते थे, तो ऑटोमेटिक कलर लाइटिंग सिग्नल्स पहली बार बॉम्बे में 1928 में इंट्रोड्यूस हुए। देन 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ कि बहुत सारा रेलवे की फैसिलिटीज़ और बहुत सारा रेलवे की चीज़ें पाकिस्तान में चली गई, कुछ इंडिया में रह गई। तो लगभग 55,000 किलोमीटर रेलवे अपने पास बचा, ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ कि रेलवे को नए तरीके से हमको वो करना है, तो टोटल 42 सेपरेट रेलवे सिस्टम्स थे और 32 लाइन्स ओन बाय द फॉर्मर इंडियन प्रेसी स्टेट्स। फिर इसके बाद क्या होता है, 1951 में ये बोला जाता है कि रेलवे को हम इंडियन रेलवे को नेशनलाइज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले ये बात आती है कि सबसे पहले इनको जोन्स में डिवाइड किया जाएगा, तो सब लोग इसको 51 में ये बात आती है और फिर 52 में इसको 6 जोन में डिवाइड कर दिया जाता है। और 52 में ही ये बात होती है कि पंखे और लाइट सारी ट्रेन के कंपार्टमेंट में देना शुरू किया जाए, चाहे जो भी हो, किसी भी क्लास में, फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो या कोई भी हो, वहां पर देना स्टार्ट किया जाए। और 1954 में ये बोला गया कि जो स्लीपिंग जो लेट सकते हैं वो थर्ड एसी में एटलीस्ट स्टार्ट किया जाए कि थर्ड एसी में जो लोग हैं वो सो के जा सके। फिर 1964 में ताज एक्सप्रेस स्टार्ट होती है। ताज एक्सप्रेस इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आगरा उस समय बहुत ही अच्छा विजिटिंग साइट थी, तो दिल्ली से आगरा वो सेम डे जाती थी और उसी दिन वापस आ जाती थी। तो ताज एक्सप्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली ऐसी ट्रेन चलाई गई जो एक जगह से दूसरे जगह जाती है और वापस सेम डे ही आ जाती थी, तो विजिटर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा रहा। फिर 65 में इसी कॉन्सेप्ट पर फास्ट फ्रीइंग सर्विसेज स्टार्ट की गई जिसे हम सुपर एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, जो 4 जो हमारे मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं और उसके अलावा अहमदाबाद और बेंगलोर में भी स्टार्ट की गई, जो एक जगह से दूसरी जगह सेम डे जाती थी और फिर वापस भी आ जाती थी। फिर 1976 में काफ़ी इंपॉर्टेंट समझौता एक्सप्रेस बनाई गई, आपने सुना भी होगा, अटल जी ने इसे स्टार्ट किया था। बाई वीकली ट्रेन थी, थर्सडे और मंडे को चलती थी दिल्ली अटारी के बीच में लाहौर पाकिस्तान में। फिर ट्रेन 22 जुलाई 1976 में
शिमला एग्रीमेंट के तहत इसको चलाया गया अमृतसर से लाहौर के बीच में, जो 52 किलोमीटर ट्रेवल करती थी। और ये समझौता एक्सप्रेस जो लास्ट सर्विस इसने दी है ये 8 अगस्त 2019 तक ये चली है, और जब से धारा 370 कश्मीर से हटी है तब से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। देन 1982 में पैलेस ऑन व्हील ट्रेन इंडिया में स्टार्ट की गई। इस ये ट्रेन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको एक बार इसकी फोटो दिखाता हूं, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। पैलेस ऑन व्हील मतलब पहियों पर ही आपका महल, पैलेस ऑन व्हील। ये एक उसी ट्रेन के अंदर का इंटीरियर है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसे आपका स्वागत किया जाता है रेड कारपेट बिछाकर, और अंदर खाने पीने की ऐसी व्यवस्था है, पर्सनल बार है, और इसका किराया भी थोड़ा सुन लीजिए। जब पीक सीजन होता है, पीक सीजन मतलब अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 या अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 में सिंगल अगर आपको एक रात का टिकट करना है तो 94,942 94,000 रुपए टिकट का लगेगा एक रात का। अगर आप ट्विन शेयरिंग मतलब दो लोग जाते हैं तो 61,732 रुपए, और अगर आप डीलक्स लेते हैं सुपर डीलक्स तो 17,894। ठीक है, ये रहेगा किराया। ठीक, अब देखिए, सॉरी 1,70,894। इधर की अगर मैं बात करूं 7 नाइट और 8 दिन की, तो इसी तरीके से इसके प्राइस लिखे हुए हैं। मैंने इनको डॉलर को कन्वर्ट करने की कोशिश की है रुपीज में, तो आप इनके प्राइस देख लीजिएगा। जब सीजन ऑफ रहता है तो इसके प्राइस क्या क्या हैं ये यहां पर लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा। और कभी घूमने की हो तो बिल्कुल मुझे फोटो जरूर भेजना यहां की। ठीक है, तो ये है पैलेस ऑन व्हील ट्रेन, जो बहुत ही आपको समझ में आ गया होगा काफी रिच लोगों के लिए चलाई गई थी। फिर 1984 में क्या होता है, 24 अक्टूबर को मेट्रो ट्रेन चलती है सबसे पहली कोलकाता में। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट मेट्रो। ठीक है, इसको चलाया जाता है। और 1986 में कंप्यूटराइज टिकटिंग स्टार्ट होती है, रिजर्वेशन न्यू दिल्ली में। ठीक है, फिर 90 में पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन बनाई जाती है, जो खुद से टिकट नहीं आप डालते हो और टिकट निकल के आ जाती है, तो 1990 में उसको स्टार्ट किया जाता है। फिर 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस स्टार्ट की जाती है। ध्यान रखिएगा, मैत्री एक्सप्रेस नहीं है, मैत्री, क्योंकि ये एक बंगला शब्द है। और ये फुल्ली एयर कंडीशन इंटरनेशनल ट्रेन होती है। क्यों? क्योंकि ये बांग्लादेश के ढाका से कोलकाता के बीच में चलती है, तो एक देश से दूसरे देश में चलने वाली ये ट्रेन है, तो इंटरनेशनली बोलेंगे। 2019 में पीएम मोदी इनॉग्रेट करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, जो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कही जाती है 15 फरवरी 2019। और लखनऊ से दिल्ली के बीच में तेजस एक्सप्रेस भी इनॉग्रेट की जाती है 4 अक्टूबर 2019 को, जो इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन थी जिसमें IRCTC जो सब्सिडरी है इंडियन रेलवे का, वो भी इसमें काम करता है। ठीक है, तो ये पूरा 2019 तक की हिस्ट्री है, उसके आगे की हिस्ट्री अब बनती जा रही है, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस है ये सब चीजें। तो मेन चीजें 2019 तक ऐसे ही हुई थी। अब कुछ चीजें समझ लेते हैं। डीजल इंजन जहां बनते हैं वो जगह है वाराणसी। ठीक है, और ये डीजल इंजन USA की एक कंपनी है जनरल मोटर्स, इनके साथ मिलकर इंडिया में बनती है। देन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन वेस्ट बंगाल में एक जगह है जहां पर इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाते हैं। और जो डीजल लोकोमोटिव होते हैं, ठीक है, उनका मॉडर्नाइजेशन पटियाला में होता है। ठीक है, बनाए जाते हैं बनारस में, और इनका मॉडर्नाइजेशन या कुछ बिगड़ गए तो ये पटियाला में बनते हैं। फिर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई में पहली फैक्ट्री जो कोच बनाती है, जिसमें आप बैठते हो, वो सारी कोच जो बनती हैं वो चेन्नई में बनती हैं। रेल कोच फैक्ट्री, जो दूसरी कोच फैक्ट्री बनाई गई थी वो कपूरथला में है। फिर व्हील एंड एक्सेल प्लांट जो है, जो पहिए बनते हैं रेलवे के, वो बेंगलोर में बनते हैं। ठीक है, रेल स्प्रिंग
कारखाना ग्वालियर में है, जो रेलवे की स्प्रिंग्स बनते हैं वो ग्वालियर में बनते हैं। अब कुछ फैक्ट हैं जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं रेलवे के बारे में, वो भी हम जान लेते हैं कि रेलवे के चार ऐसे साइट हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं। पहला मैंने आपको बताया था दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दूसरा है नीलगिरी माउंटेन, फिर है मुंबई सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एंड कालका शिमला रेलवे। ये चार हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हाइट साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। देन 1994 में पहला लाइव टेलीकास्ट हुआ था रेलवे बजट का, ठीक है। 2000 में ममता बनर्जी जो फर्स्ट वुमेन थी रेलवे मिनिस्टर का, रेलवे मिनिस्ट्री के लिए फर्स्ट वुमेन थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रेलवे बजट, और दो बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, एक बार यूपीए की गवर्नमेंट में, एक एनडीए की गवर्नमेंट में। मतलब ये पहली ऐसी महिला रेलवे मिनिस्टर हैं जो दोनों गवर्नमेंट से रेलवे वो कर चुकी हैं, रेलवे बजट को प्रस्तुत कर चुकी हैं। और ममता बनर्जी जो थी वो 29th रेलवे मिनिस्टर थी, ठीक है, 29th रेलवे मिनिस्टर थी, ठीक है। देन द मेट्टा पलियम से ऊटी के बीच में जो नीलगिरी रेलवे चलती है, ये सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है, जो सबसे धीमे चलती है। इसकी एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, इतनी तेज तो आप साइकिल चला लोगे, ठीक है। फिर जो नया प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का, ये इंडिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है 1366 मीटर का, ठीक है। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट टनल है वो पीर पंजाल टनल है, जो कश्मीर को बैनिहाल जम्मू और कश्मीर के बीच में है। बेसिकली जो एक स्टेशन है उसका सबसे छोटा नाम जो है वो है आईबी, उड़ीसा में है, इसका नाम है आईबी, कोई फुल फॉर्म नहीं है, आईबी ही नाम है। और जो सबसे बड़ा नाम है वो ये है, पढ़ने की कोशिश करें, वेंकटा नरसिम्हा राजू वरीपेटा, ये नाम एक रेलवे स्टेशन का है जो सबसे बड़ा नाम है, पता ही चल रहा होगा। देन एक ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, लगभग 4286 किलोमीटर कवर करती है, और पहले स्टेशन से अंतिम स्टेशन तक पहुंचने में ये 82 आवर्स 30 मिनट का समय लेती है, और ये इंडिया की ही नहीं बट इंटायर सब कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी ट्रेन है, ठीक है, ये सबसे लंबी ट्रेन है। और एक दो चीजें और मैं बता दूं कि पहले रेलवे मिनिस्टर, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर जो थे आजाद भारत के, जॉन मथाई थे, ठीक है। जो सेकंड थे जॉन मथाई वहां के थे, लेकिन जो सेकंड थे वो इंडियन बने थे। तो कभी कभी पूछा जाता है पहले इंडियन, तो दैट इज एन गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है, एन गोपाल स्वामी अय्यर सेकंड थे, और थर्ड जो थे काफी फेमस नाम, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो ये पूरा आज का वीडियो जो था वो रेलवे की हिस्ट्री के बेस पर था, काफी चीजें आपको नई भी सीखने को मिली होंगी, काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी आपको सीखने को मिली होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे रेलवे इंजीनियरिंग का जो भी पार्ट है उसको कंप्लीट कराने के लिए आगे भी पढ़ाऊंगा, जो आपके रेलवे में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कोई सजेशन हो या कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कुछ और पूछना हो तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। सो गुड बाय, टेक केयर।